गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज लास्ट लेक्चर है आपका चैप्टर 1 का। बहुत अच्छे आपने टेस्ट दिए हैं, 3 टेस्ट हुए हैं आपके, और जितनों ने भी पार्टिसिपेट करा है, 5-6 पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज फेयर इनफ एंड ऑल आर गेटिंग एक्सीलेंट मार्क्स। आपके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर ऑन राइट ट्रैक फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लास 12 एग्जामिनेशन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, आज बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। कुछ आज मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, है ना। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स तो हम कर चुके हैं, लेक्चर में मैं करा देता हूँ आपको, टेस्ट दिए भी है आपने। देखिए, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl शुड बी डायल्यूटेड टू फॉर्म 2 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl। आपको बताने कितना वॉल्यूम हम 10 मोलर HCl का लें, क्या बनाने के लिए 5 मोलर HCl और जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा डायल्यूशन वाला फॉर्मूला। जब आप किसी केमिकल में वाटर मिलाते हैं तो उसकी मोलरिटी चेंज हो जाती है। तो जब भी हम किसी केमिकल में वाटर मिलाएंगे, उसको डायल्यूट करेंगे, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं डाइल्यूशन फार्मूला। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में है। तो प्रैक्टिकल्स में जनरली ये फार्मूला यूज होता है आपके, इस साल भी, अगले साल भी, फर्दर ईयर से काम आएगा। तो इसे देखिए, जैसे मोलारिटी 1 HCl का कितना मेंशन है आपको, 10। वॉल्यूम पता नहीं है आपको HCl का, सही है। क्या करा आपने, डायल्यूट करा, डायल्यूट करके क्या बना दिया, इसकी मोलारिटी 2.5 है और वॉल्यूम 2 कितना हो गया, 2। तो सिंपल फॉर्मूला है डाइल्यूशन का, M1V1 इक्वल M2V2। M1 कितना है, 10, कितना वॉल्यूम चाहिए वही पता लग जाएगा, M2.5 वॉल्यूम 2। तो V1 इक्वल 10 अपॉन 10 इक्वल 1 लीटर, मतलब क्या है, आपको 10 मोलारिटी HCl वाला 1 लीटर वॉल्यूम चाहिए और उसको डायल्यूट करेंगे तो ये कंडीशंस आपकी क्रिएट हो जाएगी। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल देखिए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल न्यूमेरिकल है, क्लास 12 और 11 का कॉम्बिनेशन। मतलब ये बता रहा है आपको कि जब आप 12th में पहुंचोगे तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट आपके 12th में कैसे इन्फ्यूज होगा। तो देखिए क्या बोलता है, HCl है आपके पास 38% बाय मास, ये मैंने लिखा है बेटा पेज नंबर नोट्स का पेज नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अनसॉल्वड है, इसलिए मैं लिख रहा हूं आपको ताकि दिक्कत ना हो, है ना। आपके पास HCl है 38% बाय मास, इतना सा दे रखा है आपको, और क्या पूछ रहा है, आप बताइए मोलैरिटी, आप बताइए मोलैरिटी, और आपको जो है मोलर मास ऑफ HCl कितना, आपको डेंसिटी दी हुई HCl सॉल्यूशन की 1.10 ग्राम अपॉन ml। जब भी आप न्यूमेरिकल करें एग्जामिनेशन में, सबसे पहले जो जो मेंशन हो ना वो चीज लिख दो, आपको फटाफट आंसर निकल आएगा। अब देखो, सबसे पहले 38% बाय मास का क्या मतलब है, इसको डीकोड करना आना चाहिए आपको बेटा। 38% बाय मास मतलब ये है आपके सॉल्यूशन में 38% क्या है, HCl है, और बचाव अमाउंट क्या है, वाटर। तो आप क्या लिख दोगे, HCl इक्वल 38 ग्राम, देयरफॉर वाटर इक्वल 100 माइनस 38 इक्वल 62 ग्राम। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपने, आपको क्या दिया हुआ है, 38% आपको HCl बाय मास दिया हुआ है। मतलब बाय मास का मतलब अगर हम 100 ले लें टोटल ओवरऑल परसेंटेज, तो 38 ग्राम क्या हो गया, HCl, और बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका, वाटर। वाटर ही क्यों लिया, क्योंकि जितने केमिकल्स हम बनाते हैं किसमें बनाते हैं, वाटर में ही बनाते हैं, सही है। देखिए आगे बेटा, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोलैरिटी। आपके 11 के स्टैंडर्ड में रेयर चांस न्यूमेरिकल दे दे कोई है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, क्लब करने के लिए आपकी 11th की और 12th की नॉलेज। देखिए आपको सबसे पहले निकालना मोलैरिटी, क्या फॉर्म होता है मोलैरिटी का, मास ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ HCl, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, कल बुलाया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। अब मास ऑफ HCl कितना है आपका, 38, मोलर मास ऑफ HCl 36.5, मास ऑफ सॉल्वेंट ये वाटर है आपका 62 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, इससे क्या निकलेगी आपकी, इससे निकलेगी मोलैरिटी, क्लियर। अब बात करते हैं मोलैरिटी नंबर 2 पर, ये बात में करेंगे हम। देखिए मोलैरिटी निकालिए, अपने आप आपको हिंट मिलेगा, देखो रेक्टोलॉजी करने की जरूरत नहीं है आपको, हिंट अपने आप निकल आता है न्यूमेरिकल में। क्या लिख दोगे, अगेन मास ऑफ HCl
मोलर मास ऑफ HCl, क्या लिख दोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ml में मल्टीप्लाई बाय 1000, सही है। तो इस तरह से चीज आपको देखनी है। देखिए बेटा, बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी कैसे निकालोगे? फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। यहां दिक्कत आएगी, इसलिए देखिए मास कितना है HCl का 38, मोलर मास 36.5, टॉप पर 1000। अब चक्कर पड़ गया आपके सामने वॉल्यूम, वॉल्यूम तो है ही नहीं क्योंकि आपको मास नहीं चले। अब बोलोगे सर वॉल्यूम कैसे निकाले? तो आप देखो आपको डेंसिटी मेंशन है सॉल्यूशन का, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी न्यूमेरिकल आप मैं नहीं भी बताता तो भी आप कर ही लेते, केवल ये चीज है इसलिए मैंने न्यूमेरिकल बताया। देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, मेंशन करा हुआ है डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। सॉल्यूशन का डेंसिटी कितनी है? 1.10। टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का? 38 प्लस 62, सॉल्वेंट प्लस सॉरी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100। वॉल्यूम भी तो v इक्वल 100 अपॉन 1.10, सही बेटा। ये कैलकुलेट करके वैल्यू यहां प्लेस कर देना, यू विल गेट योर आंसर। मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूं ताकि हम ज्यादा न्यूमेरिकल कर सके, है ना बेटा। तो ये सिंपल तरीका है, देखते हैं। ये देखिए इसका लास्ट पार्ट देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.10 मोलर HCl, मतलब ये जो HCl था उसका कितना वॉल्यूम आपको चाहिए ताकि 1 लीटर आपका HCl बन जाए 0.10 मोलरिटी वाला। वो डाइल्यूशन जैसा ही है, हमारी मोलरिटी क्या आई थी? 100 अपॉन, ये तो डेंसिटी थी बेटा, मोलरिटी तो हमें सॉल्व ही नहीं करी है ना, उससे जो मोलरिटी कैलकुलेट होगी वो निकालना है। ये निकालना था ना, मैं एक बार लिख के भी बताया हूँ। मोलरिटी इक्वल मास क्या है? मोलर मास 36.5, वॉल्यूम क्या आया था बेटा? 100 अपॉन 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1000, इससे मोलरिटी निकलेगी, क्लियर। तो ये क्या था आपका M1, ये सॉरी मैंने ये डेटा गलत दिया है ना बेटा। तो ये M1 है, कितना वॉल्यूम चाहिए बताना है आपको। M1 हो जाएगी आपकी जो मोलरिटी निकाली आपने कॉन्सेंट्रेशन, कितना वॉल्यूम बनाना है V2 1 लीटर, और M2 क्या है 0.10। तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे? M1V1 इक्वल M2V2, आने के चांस 0 बट इम्पोर्टेंट 100%, इसलिए करा आपको। आगे देखिए, देखिए बेटा ये देखिए बच्चों वाला न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का, एक्चुअल में एनसीईआरटी जैसा न्यूमेरिकल। आपने 2 ग्राम केमिकल एरिया और उसमें मिलाया आपने 18 ग्राम वाटर। अब ये बताना है मास परसेंटेज बताना है सॉल्यूट का, मास परसेंटेज बताना है सॉल्वेंट का। सॉल्यूट कौन है? जिसकी क्वांटिटी कम है। सॉल्वेंट कौन है? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। बताने में मुझे इतना ईजी है, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा 2 + 18 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्वेंट का निकालना है तो क्या हो जाएगा 18/20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लेते हैं क्लास 11 के स्टैंडर्ड में। देखिए जो आपने अभी टफ न्यूमेरिकल करा था प्रीवियस से पहले, उसका छोटा भाई, उसका छोटा भाई क्यों? क्योंकि सेम न्यूमेरिकल का सिंपल फॉर्म दे दिया आपके NCERT में। ये NCERT न्यूमेरिकल है, मेरे जो नोट्स हैं उसके पेज नंबर 18 का एक न्यूमेरिकल है, वैसे आपको NCERT की एक्सरसाइज में दिख जाएगा न्यूमेरिकल। अब क्या है, क्वेश्चन सुनो, आपको कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है नाइट्रिक एसिड का इन मोल अपॉन लीटर, सही। डेंसिटी दी हुई है HNO3 लिखा मैंने बेटा शॉर्ट में, ध्यान रखना। आपको डेंसिटी दी हुई है HNO3 की 1.41 ग्राम अपॉन ml। मास परसेंटेज दिया हुआ है HNO3 का 69%। प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि अगर हमें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया तो सारा खेल खत्म है, बस तो कोई बात ही मैटर नहीं बनता है कि कोई डिस्कशन करें। क्वेश्चन समझ में आ गया उसके बाद हम नहीं कर पाया तो फिर हमारा बैड लक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें सबसे मेन चीज मोल अपॉन लीटर में कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है मोलैरिटी। ये तो जो पूछा है सबसे पहले उसी का फॉर्मूला लगा दो, मोलैरिटी इक्वल मास ऑफ HNO3 मोलर मास HNO3 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ऐसे लिख रहा हूं मैं ना शॉर्ट में, मल्टीप्लाई बाय
1000। अब देखो मोलारिटी निकालनी है, मास ऑफ विचरण्स भी, अब बोलोगे मास तो ही नहीं, तो जैसे भी करा था ना पहले, तो क्या हो जाएगा 69 ग्राम HNO3 आपके पास है, ये तो वाटर कितना होगा 100 माइनस 69 इक्वल 31 ग्राम, तो क्या लिख दोगे 69 HNO3 का मोलर मास, देख लेते मोलर मास HNO3 1+40 रख, तो लर्न हो गया होगा आपको, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा तो भी आपको पता लग जाएगा ना 63 गाड़ी वही अटक जाएगी वॉल्यूम पर, टॉप पर 1000, अब तो समझ में आई गया होगा वॉल्यूम कैसे निकालना है, आपको डेंसिटी दी हुई है ना, क्लियर है। तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे आप, तो मैं यहां कर लेता हूं इसको, डेंसिटी इक्वल क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी दे रखी आपको देखो क्या 1.41, मास क्या लोगे टोटल 69 + 31 100 ग्राम, वॉल्यूम भी तो बी इक्वल 100/1.41, ये वैल्यू कहां रख देंगे, यहां रख देंगे, गॉट इट, तो ये वैल्यू मैं हटाता हूं और ये वैल्यू कहां रख देता हूं 100/1.41, सही है, ये मैंने क्यों सॉल्व नहीं करा, वो कट जाएगा भी 100 से 1000, तो इजी हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ न्यूमेरिकल, ये आपके एनसीईआरटी में, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सबसे टफ न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी का, मुझे तो बिल्कुल टफ लगता नहीं है, बट स्टैंडर्ड देखें तो सबसे अच्छे स्टैंडर्ड का यही है एनसीईआरटी में। देखिए एक नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको सिखा रहा हूं, पार्ट्स पर मिलियन है तो 12th में, लेकिन इसका क्वेश्चन दिया है आपके 11th की एनसीईआरटी में, अब बोलो क्यों दिया है, कोई जवाब नहीं एनसीईआरटी के पास, दे दिया उसकी मर्जी, एनसीईआरटी करना है तो करना है, हमें कोई इफ बट नो नहीं है, है तो है, टॉपिक सिलेबस में नहीं है बट न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देख लेना मिल जाएगा। देखिए क्या बोलता है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मिलियन में होते हैं 10 लाख, अगर आपको कभी किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में कैलकुलेट करना है पार्ट्स पर मिलियन, तो सिंपल फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10^6, सही है, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकलती है 100 पर, जब आपको निकालना है पीपीएम तो मल्टीप्लाई करोगे 10^6 से, क्यों करा पावर 6 से, क्योंकि मिलियन में होते हैं 10 लाख, सिंपल फॉर्मूला है, डेफिनेशन आपसे कोई पूछना नहीं है, हैवी नहीं सिलेबस में, अब न्यूमेरिकल क्या दे रखा है आपके एनसीईआरटी, देखिए क्लोरोफॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन है 15 ppm, आपको बताना है इसका मास परसेंटेज क्या है और इसकी मोलैलिटी क्या है, और आपको ये मास वास दिया हुआ है इसका मोलर मास इन ऑल द थिंग्स। अब देखो सबसे पहले जो 15 ppm है इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए, 12th की पूरे न्यूमेरिकल कोडिंग पर चलते हैं, 15 ppm का मतलब क्या है, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 1 million gram सॉल्यूशन, आपका जो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है 1 million gram सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखोगे CHCl3 15 ग्राम और सॉल्यूशन 1 million gram, 1 million gram मतलब 10^6 ग्राम, ये तो जितने भी न्यूमेरिकल आप देखोगे ना हाईफाई, उन हाईफाई न्यूमेरिकल में हाईफाई जैसा कुछ भी नहीं होता है, वो केवल उसकी स्टेटमेंट आपको डराती है, सिंपल सिंपल तो कोई भी कर लेगा 20 ग्राम मैंने NaOH लिया 500 ml वाटर मिलाया मोलैरिटी बताओ, तो मैं भी कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा, लेकिन मजा कब है जब कोडिंग वाले क्वेश्चन को करने का मजा, जैसे यहां लिखा 15 ppm तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम सॉल्यूशन, मैं लिखता 20 ppm तो कितना होगा 20 ग्राम क्लोरोफॉर्म, अब बोलोगे आप सर कि आपने 20 ग्राम क्यों लिया, 20 किलोग्राम ले लो, ये 15 किलोग्राम हो जाएगा तो 10^6 किलोग्राम हो जाएगा, सही है। देखिए आपको निकालनी है क्या, सबसे पहले मास बाय परसेंटेज, तो मास बाय परसेंटेज पता है ही आपको, परसेंटेज बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट 15, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताइए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन देखो कहां मिलेगा आपको, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किस जगह दिख रहा है बताइए, ढूंढिए कहां है,
ये है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 10 की पावर आपका 6। सही है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का है आपका 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 100। आप बोलोगे सर आपने तो 10 पर 6 वहां लिखा है, तो दिमाग लगाओ, मैंने वो ppm का फॉर्मूला लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन इन ppm। ppm का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 10 पर 6। वो पूछ क्या रहा है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। बात आती है मोलैलिटी की। अब यहां थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको एजम्पशन। मोलैलिटी क्या होगा? मास ऑफ CHCl3 मोलर मास CHCl3 और इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है, यही है फॉर्मूला। मास ऑफ CHCl3 15 है, मोलर मास ऑफ CHCl3 मैं काउंट कर देता हूं, है ना, सीधा 35.5 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 106.5, ये हो जाएगा आपका 119.5। कैलकुलेशन आपको करना आता ही है, कोई जरूरत नहीं मुझे बताने की। इंटू ये 1000। अब बात करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट की। अब दो रास्ते हैं बेटा, अगर आप 10 की पावर 6 में से 15 को माइनस कर दोगे तो क्या पता लग जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन कुछ बुक्स में क्या बोला हुआ है कि 15 ग्राम 10 की पावर 6 से क्या है? बहुत छोटा है, तो हम इस 15 ग्राम को इग्नोर कर सकते हैं। 12th में भी है न्यूमेरिकल, तो 12th में हम लोग क्या करते हैं, जब हम 12th को पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं 15 ग्राम सॉल्यूट 10 लैग के सामने बहुत छोटा है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ सॉल्वेंट 10 की पावर 6 ले सकते हो सॉल्यूशन को, और अगर आपकी इच्छा होगी नहीं मैं तो बिल्कुल चमत्कार ही करके मानूंगा, तो 10 की पावर 6 माइनस 15 आपको करना पड़ेगा एंड यू विल गेट योर एग्जैक्ट आंसर। लेकिन मैं सजेशन दूंगा आपको 15 को इग्नोर कर दीजिए, वहां लिख दीजिए 15 ग्राम इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, क्लियर है? देखते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन थ्योरेटिकल, हाउ आर 0.50 मोल एंड 0.50 कैपिटल MR डिफरेंट? ये दोनों अलग अलग क्यों है? मोल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड कैपिटल M का मतलब क्या है? 0.50 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये डिफरेंस है। ज्यादा लंबा चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, सिंपल लिखना है। 0.50 मोल का मतलब क्या है? हाफ मोल ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, किसी के भी पार्टिकल हो सकते हैं। और 0.50 कैपिटल M का मतलब क्या है? हाफ मोल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ज्यादा कहानी नहीं लिखनी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा ये एक्सरसाइज का। ये देखिए बेटा अगला न्यूमेरिकल, आपके पास 36 ग्राम वाटर है और आपके पास 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। 36 ग्राम वाटर एंड 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, आपने दोनों को मिक्स करा, कोल्ड ड्रिंक बना ली मिक्स करके, है ना, होता है ना कोल्ड ड्रिंक में, वाटर में कौन सी गैस होती है कोल्ड ड्रिंक में? कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्स करके क्या बना लिया आपने? कोल्ड ड्रिंक बना ली। अब आपसे पूछता है वो मोल फ्रैक्शन बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का, सिंपल जानते हो ना, कल ही पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन बताइए वाटर का, तो बहुत सिंपल है। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल क्या होगा? मोल ऑफ CO2 मोल ऑफ वाटर एंड मोल ऑफ CO2। सही है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास CO2, नीचे मास अपॉन मोलर मास वाटर, मास अपॉन मोलर मास CO2। देखो मास कितना है भाई वाटर का, सॉरी CO2 की बात कर रहे हैं, मास कितना है CO2 का? 88। मोलर मास कितना होता है CO2 का, कैलकुलेट कर लें, CO2 इक्वल 12 प्लस 32 44। वाटर का तो याद ही है, रट्टा लोजी लग गया होगा तक तो 44। वाटर का मास कितना है? 36। मोलर मास 18, ऐसे यहां 88 अपॉन 44 कट करोगे तो जरा 2 अपॉन 2 प्लस 2, सही है, क्या हो जाएगा बेटा ये 2 अपॉन 4 इक्वल 0.5। मोल फ्रैक्शन क्या है इसकी? 0.5। अब देखो क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये निकालना है।
अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है प्रीवियस और देख लिया है तो सिंपल फॉर्मूला है, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन के इक्वल होता है। बताया था मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0.5, यहां वैल्यू डालना तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल 1 - 0.5 = 0.5। ये सॉल्व है ना। ये न्यूमेरिकल भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, टॉपिक है ऐसे डिप्ला जो घोटाला है एनसीईआरटी में, टॉपिक है आपके सिलेबस में बट न्यूमेरिकल नहीं है। तो न्यूमेरिकल मैंने करा दिया आपको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में चैप्टर वन का जो लास्ट पेज है एक्सरसाइज का, वहां आपको मिलेगा ये 30 से लेकर 35 जो न्यूमेरिकल है उनकी बीच की लाइन का न्यूमेरिकल है। क्यों करा रहा हूं थोड़ा सा देखिए, ये बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्शन करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या बनाया कुछ नहीं देखा एनसीईआरटी में, आगे की कहानी बताता हूं। ये बताता है CaCl2 एंड H2CO3 रिएक्शन कर लेना, करना आता है ये आपको। अब पूछ क्या रहा है, कितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करेगा किससे, 25 ml 0.75 कैपिटल एंड HCl से। इसकी वजह से मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया है, मतलब CaCl3 का कितना मास इस HCl से रिएक्ट करेगा और HCl का क्या वैल्यू दे रखी है आपने, HCl की 25 ml 0.75 मोलैरिटी HCl, मतलब यहां तो मास दे रखा है और यहां वॉल्यूम और मोलैरिटी दे रखी है। तो करना कुछ नहीं है, इसको किसमें चेंज करना है, मास में चेंज करना है। अब बढ़ोगे कैसे करेंगे, तो मैंने बोला ये जिसका फॉर्मूला दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगा दो। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इक्वल मास अपॉन मास ऑफ HCl अपॉन मोलर मास ऑफ HCl वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। अब तो रट गया होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला, मास कितना है निकालना है आपको, मोलैरिटी वैल्यू लगा दी, मोलर मास 36.5 कैलकुलेट कर लेना, वॉल्यूम 25, टॉप पर 1000, तो ये आ जाएगा आपका HCl का मास। फिर वही अपना काम, मास ऑफ CaCO3 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या होता है, 40 + 12 + 3 × 16, ये आएगा आपका 100। मास ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 × 1 + 35.5, ये आ जाएगा आपका 73। सही है, तो मास ऑफ CaCO3 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितना आएगा, 100। ये मास निकालना है, इसको कर लो x, मास ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 73 और मास ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इसका मास चेंज करना ना ये वैल्यू, तो क्या दे रहा है नीचे 0.75 36.5 / 40। सही है, टाटा पीटी हो जाएगी एंड यू विल गेट योर आंसर कि कितना आपको मास CaCO3 का रिक्वायर है एनसीईआरटी में। देखिए ये लास्ट न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का, ये भी एनसीईआरटी का है ना। क्या बोल रहा है आपको, एक क्वेश्चन मेंशन है, ये ऑलरेडी गिवन में है आपको इक्वेशन में, इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन आपको बताना है MnO2 के 5 ग्राम से कितना मास HCl का रिएक्ट करेगा। आप अगर थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंज करोगे ना आपको बिना कहे समझ में आएगा न्यूमेरिकल, मतलब HCl का कितना मास इससे रिएक्शन करेगा। अभी कराया हमने तो आप वही दिस अपॉन दिस तो क्या लिख दोगे, मास ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, मास ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, मास ऑफ MnO2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, यहां क्या लिख दोगे, मास ऑफ MnO2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये अपने आप करना है ना, ये मोलर मास निकालना है इसका, यहां रखना मास, यहां x इमेजिन कर देना, MnO2 का मोलर मास निकाल के यहां रखना और यहां रख देना 5, वी विल गेट योर आंसर। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको क्लास 12 में पता लगेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भी 12th के बैच में पढ़ते हैं मेरे से। मैं क्या करता हूँ, आपके 11th क्लास के जो लेक्चर्स हैं ये चैप्टर 4 चैप्टर्स के, मैं वहां शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि कई बच्चों की 11th स्ट्रांग नहीं होती है, बहुत दिक्कत में रहते हैं बच्चे की, हमें सर मोल नहीं आता, मोलैरिटी नहीं आती, नॉर्मलिटी नहीं आती। अब नहीं आता है तो या तो छोड़ दो रास्ते में, अब स्टार्ट करा पढ़ाना तो पूरा रास्ता निकालना मेरे हाथ में है। तो मैं क्या करता हूँ, आपके इन चैप्टर्स के वीडियोस को 12th में भी शेयर करता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर 1 आपका।
सही है। तो टाइम पर लेक्चर देखो, टाइम पर टेस्ट दो। अभी इस बार आउट ऑफ एट, आप एट हो टोटल, छह बच्चों ने टेस्ट दिए एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि मिनिमम स्कोर आउट ऑफ 20 17 है, शायद 17 भी नहीं है, 19 मिनिमम स्कोर है। मतलब दो तीन चार के तो 21-20 है, बाकी दो है तो उसके 19-19 है। तो मतलब यू आर गेटिंग बेटर कॉन्सेप्ट फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स एंड यू आर डूइंग एक्सीलेंट, कीप इट अप। और पुराने जो चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, भूलना नहीं है, उसको भी टच में रखना है। जल्दी हम क्या करेंगे, मेजर टेस्ट वी विल कंडक्ट। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट टर्म वी विल स्टार्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।